गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अब आप लोग को मैं जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। देखिए कल का जो मैंने आपको जो होमवर्क भेजा था लॉग का, वो बहुत ही प्यारा सवाल था। कल जो आपको होमवर्क मिला था वो होमवर्क बहुत ही अच्छे सवाल है और ऐसे सवाल आपको अक्सर जेई में पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच लॉग डिफाइंड, बराबर है ना। हमें एक्स का वैल्यू निकाल के बताइए जब आपका लॉग क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो देख बेटे यहाँ पे हमने एक सवाल लिया कि लॉग फाइव एट द बेस ऑफ एक्स माइनस चार। तो पहले अब आते हैं लॉग के टोटल कितने कंडीशन है। बेटे लॉग के टोटल तीन कंडीशन सुन ले, लॉग के टोटल तीन कंडीशन सुन बेटे, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देख यहाँ पे आप याद करो, आपको बताए थे कि लॉग एन एट द बेस ऑफ ए इज डिफाइंड, सुनना ये डिफाइंड कब है बेटे, इज डिफाइंड, जरा समझना और इंटरेस्ट लेना क्योंकि बड़ा ही प्यारा सवाल है। डिफाइंड व्हेन, कब व्हेन बेटे, यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन ए नॉट इक्वल टू वन, तीसरा कंडीशन एन ग्रेटर देन जीरो, बराबर है ना। तो बेटे कल का जो सवाल था वो इसी तीन कंडीशन को लेके आपको सॉल्व करना था। देखिए सवाल में कुछ नहीं दिया गया था, सवाल बस इतना ही है लॉग डिफाइंड। तो बेटे लॉग कब डिफाइंड है, जब बेस ग्रेटर देन जीरो, बेस नॉट इक्वल टू वन, और लॉग क्या बोलता है कि हमारे अंदर जो भी रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी एन ग्रेटर देन जीरो। अब देख बेटे अब इस सवाल को यहाँ पे इस कंडीशन के द्वारा सॉल्व करेंगे। चल बेटे पहला कंडीशन ए ग्रेटर देन जीरो, ए कहने का मतलब बेस है, एक्स माइनस चार ग्रेटर देन जीरो, बेटे एक्स ग्रेटर देन चार, राइट ना। दूसरा कंडीशन ए नॉट इक्वल टू वन, ए किसके बराबर है, एक्स माइनस चार, एक्स माइनस चार इज नॉट इक्वल टू वन, एक्स नॉट इक्वल टू इसको इधर कर दे वन प्लस चार, तो बेटे एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पांच, राइट ना। अब तीसरा कंडीशन देख बेटे, तीसरा कंडीशन एन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे देखो पांच जो है ग्रेटर देन जीरो। तो देख बेटे पांच जो है हमेशा जीरो से बड़ा है, इसको तो ऑलवेज क्या कर देना, सत्य कर देना, क्योंकि पांच तो हमेशा जीरो से बड़ा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देख बेटे यहाँ पे दो कंडीशन, एक्स ग्रेटर देन चार, एक्स नॉट इक्वल टू पांच। अब आ जा बेटे इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दे, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया बेटे कितना प्लस इन्फिनिटी। देख बेटे बीच में आपका कहीं पे क्या आएगा, चार, बीच पे कहीं पे आएगा चार। अब बेटे चार से ज्यादा, ग्रेटर का मतलब ज्यादा, तो ग्रेटर का मतलब आगे या पीछे, अरे ग्रेटर का मतलब आगे या पीछे, आगे, बराबर है ना। तो बेटे चार से बड़ा जाम पहना दो, ऐसे जिलेबी, जिलेबी डाल दो, भागो भागो इधर, भाग गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, एक्स नॉट इक्वल टू पांच, बेटे चार के आगे कहीं ना कहीं पांच तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बराबर है ना। तो इस पे ऐसा लिखा, ऐसा इसके ऊपर टोपी पहना दो, टोपी इसके ऊपर टोपी पहना दो, इसे बता रहा हूँ सब याद रखना। देखो पांच के ऊपर टोपी पहना दिए, इसका मतलब सुन लो, अरे सुन रे, सुन सुन, पांच के ऊपर टोपी पहना दिए इसका मतलब है कि इस ये वाला वैल्यू काउंट नहीं करना है। देखो ना एक्स नॉट इक्वल टू पांच, बेटे चार से आगे सब वैल्यू लेंगे लेकिन पांच को नहीं लेंगे, क्योंकि पांच के ऊपर टोपी पहना दिए हैं, पांच के ऊपर टोपी, टोपी। तो बेटे यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एक्स बिलोंग्स टू, बोल बेटे चार से लेकर इन्फिनिटी एक्सेप्ट में क्या बोलेंगे, पांच, यानी इसको छोड़ देना है, इसको क्या करना बेटे, छोड़ के, बराबर है। तो ये आपका हो गया पहले का आंसर, क्लियर हो रहा है आप लोग को। बेटे ये सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा ही इंजॉयफुल सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर आपको जेई में पूछते रहा है, क्योंकि दिया हुआ कुछ भी नहीं, निकालना बहुत कुछ है, दिया हुआ कुछ भी नहीं है, निकालना बहुत कुछ है। तो ये सवाल आपको क्लियर हो गया, यही तीन डिफिनेशन से हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे। चल बेटे आजा सेकंड सवाल पे, अब एक एक सवाल देखते चलना और एंजॉय करते चलना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब लॉन्ग टॉपिक आपका खत्म होने वाला है, एक दो वीडियो लेक्चर में ये अब खत्म हो जाएगा। चल बेटे अब देखो ध्यान से, सेकेंड बात करेंगे,
सेकंड सवाल आ जाओ। सवाल नंबर सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख बेटे, लॉग बोलना, लॉग एक्स माइनस वन एट द बेस ऑफ फोर। चल बेटे यहाँ पे समझना और अच्छे तरह से इंजॉय करना। सुनो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पहला कंडीशन बोल बेटे, अच्छा ये बता, बेस बेस ग्रेटर देन जीरो, चार ग्रेटर देन जीरो। दूसरा बेस नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन। और तीसरा तीसरा ये देखिए एन, यानी एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो बेटे एक्स ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, वन। अब जरा तीनों कंडीशन को ध्यान से देखो बेटे, चार जीरो से बड़ा है या छोटा है, अरे चार जीरो से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सेटिस्फाइड हो गया। अच्छा चार और वन, चार कभी वन के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये भी सही है, बराबर है। तो बचा सिर्फ तीसरा कंडीशन, तो तीसरा कंडीशन को नंबर लाइन पर रखो ना, तो बेटे ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। बेटे यहाँ पे वन आ गया, वन से बड़ा, वन से बड़ा आगे या पीछे, आगे। चलो भागो आगे, भागो 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 भागो। तो बेटे सॉल्यूशन में क्या लिखेगा, एक्स बिलोंग्स टू वन से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो बेटे ये हो गया आपका सवाल नंबर टू, राइट। अब आ जाओ सवाल नंबर थ्री पे, सवाल नंबर थ्री पे। चल बेटे सवाल नंबर थ्री पे, ये सब इंटरेस्टिंग सवाल है। लॉग बेस फाइव, यहाँ पे देख बेटे, थ्री माइनस कितना हो जाएगा, फोर एक्स है, थ्री माइनस क्या हो जाएगा, फोर एक्स है। चलो बेटे वही बात फिर से, चलो यहाँ पे सॉल्यूशन करो। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या बोलता है, बेस ग्रेटर देन जीरो। दूसरा कंडीशन बेस नॉट इक्वल टू वन। तीसरा कंडीशन बेटे एन ग्रेटर देन जीरो, थ्री माइनस फोर एक्स ग्रेटर देन जीरो, राइट ना। अब बेटे इसको सॉल्व कर, तो यहाँ पे ये बता, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है, ये बात ध्यान रखना। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है, तो प्लस फोर एक्स लेस देन जीरो। बेटे इसको इधर कर दे, फोर एक्स लेस देन थ्री, इसको इधर भेज दिए, तो एक्स लेस देन क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर। चलो बेटे तीनों कंडीशन को देखो, पांच जो है जीरो से बड़ा है, सही है यार, सही है, पांच वन के बराबर नहीं हो सकता है, ये भी सही है। तो हमारा जो पार्टिसिपेट होगा नंबर लाइन पे सिर्फ ये वाला होगा, तो नंबर लाइन पे रखो बेटे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा तीन बाई चार, तो तीन बाई चार से छोटा आगे या पीछे, पीछे, तो इधर भागो, इधर भागो 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 भागो। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, थ्री बाई फोर तक। ये हो गया आपका सॉल्यूशन से। चल बेटे मजा आ रहा है आप लोग को, तीसरा सवाल हो गया। देखिए सवाल देखते चलिएगा, इंटरेस्टिंग है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से अगर समझिएगा तो आपको सारे सवाल हो जाएंगे। चलिए अब आ जाइए सवाल नंबर फोर्थ पे। चल बेटे सवाल नंबर फोर्थ पे आ जा। सवाल नंबर फोर्थ की अगर बात करेंगे, यहाँ पे देख, लॉग बेस वन बाई टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एट एक्स माइनस नाइन। चलो बेटे यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन वही बेटे, तीन कंडीशन, तीन कंडीशन, पहला बेस ग्रेटर देन जीरो, दूसरा बेस नॉट इक्वल टू वन, तीसरा ये देखो यहाँ पे जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, लॉग के अंदर में हमेशा क्या होगा बेटे, पॉजिटिव, राइट ना बेटे। वन बाय टू जीरो से बड़ा, यूनिवर्सल ट्रूथ, वन बाय टू वन के बराबर नहीं है, सही है, तो इसको इधर कर देना, एट एक्स ग्रेटर देन कितना, नाइन, एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, नाइन। तो बेटे नंबर लाइन पे देख, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, इधर होगा प्लस इन्फिनिटी, बीच में बेटे कहीं पे एट बाई क्या हो जाएगा, सॉरी नाइन बाई एट, बराबर है ना। तो अब ये बताओ यहाँ पे अगर बात करेंगे नाइन बाई एट, तो नाइन बाई एट से बड़ा, अरे ग्रेटर है ना जी, तो ग्रेटर का मतलब आगे भागेंगे या पीछे भागेंगे, आगे भागेंगे, तो भागो ना, भागो 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 भागो। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नाइन बाई एट से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, आराम से देखिएगा, समझते जाइएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये सब, आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा हार्ड वाला बात नहीं है, मैं आपको अच्छे तरह से समझा रहा हूँ, आप एक एक सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल, हाँ नेक्स्ट सवाल इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। पांच नंबर सवाल,
देख बेटे यहाँ पे क्या बोला है कि log, यहाँ पे देखो x माइनस फोर, बेटे बेस कितना है x माइनस थ्री, वाओ मजा आ जाएगा। चलो फिर से वही तीन कंडीशन ले लो ना, तीन कंडीशन भूल लो ना, तीन कंडीशन जो है भूलने का नहीं। पहला कंडीशन बेटे बेस, बेस क्या होना चाहिए बेटे ग्रेटर देन जीरो, यानी x ग्रेटर देन थ्री। ओके दूसरा देख बेटे x माइनस थ्री नॉट इक्वल टू वन, इसको इधर कर दे तो x नॉट इक्वल टू चार। दूसरा तीसरा बेटे तीसरा ये देखो log के अंदर में जो रहता है वो क्या बोलता है कि हम जो भी होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, तो x ग्रेटर देन चार बराबर है ना। अब जरा मजे लेने वाली बात है बेटे, यहाँ पे अब तीनों कंडीशन को नंबर लाइन पे रखना है बेटे। ये देखो माइनस इन्फिनिटी, ये देखो प्लस इन्फिनिटी, बेटे पहले क्या आएगा तीन आएगा, फिर क्या आएगा बेटे चार आएगा, बराबर है ना। देख लो ध्यान से अच्छे तरह से देख लो, यहाँ पे पहले तीन आएगा फिर क्या आएगा चार, बराबर है ना। तो बेटे तीन से आगे ऐसे एरो लगा दो, जो भी करना है भागना है भाग जाओ, एरो लगाना है लगा दो। उसके बाद क्या बोला है चार से आगे, चार से आगे। अब देखो बेटे यहाँ पे क्या बोला है कि चार नहीं होना चाहिए, तो चार पे टोपी पहना दो, चार पे टोपी, इसको बोलते हैं टोपी, ठीक है टोपी। टोपी का मतलब, टोपी का मतलब नहीं लेना है, यानी चार नहीं लेना है। तो यहाँ पे अच्छा ऐसे लिखते हैं बोलो, चार से लेकर इन्फिनिटी यही ना, और यही वाला है ना जी कि इसमें देखिए ना दोनों एरो लाई कर रहा है, तो चार से इन्फिनिटी। अच्छा बेटे ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट का मतलब कि चार को हम काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे बेटे। ये वाला ब्रैकेट है छोटी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में हम चार काउंट नहीं करते हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में ये वाला चार काउंट नहीं होगा, और अगर बेटे यही ऐसा होता क्लोज इंटरवल तो बेटे उसमें चार काउंट होता। ओके गाय, तो इसीलिए यहाँ पे चार काउंट नहीं हो रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चल बेटे नेक्स्ट सवाल की ओर आ जा, सवाल नंबर पांच हो गया, सवाल नंबर छह पे आ जा बेटे। कहीं पे भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी अगर डाउट्स लगे तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। चल बेटे सवाल नंबर सिक्स पे आते हैं, सवाल नंबर सिक्स क्या बोला है बेटे, इवैल्यूएट लॉग कॉस 30 डिग्री, यहाँ पे साइन ऑफ 60 डिग्री, मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे आसान सवाल है, देख बेटे यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देख बेटे यहाँ पे लॉग बेस कॉस क्या है बेटे 30 डिग्री, यहाँ पे साइन ऑफ 60 डिग्री, तो यहाँ पे देख बेटे लॉग कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बेटे रूट थ्री बाय टू, साइन 60 का वैल्यू कितना रूट थ्री बाय टू। तो आपको याद होगा कि अगर ये दो वैल्यू सेम रहे, याद करिए log a a इज इक्वल टू क्या होता है वन के बराबर, तो a a, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटे वन, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। सिंपल था, ये दोनों अगर सेम रहे तो log का वैल्यू कितना होता है बेटे वन, ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर सेवेंथ पे आते हैं, सवाल नंबर सेवेंथ इवैल्यूएट, देख बेटे इवैल्यूएट यहाँ पे बताओ log cot 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री, बताओ चलो सॉल्व करो इसको, cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री tan 45, cot 45 tan 45, cot 45 tan 45, बताओ कोई बता सकता है, अरे इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चल बेटे इसका आंसर जो भी होगा वो देख लेंगे, सुनो ना यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो log cot 45 यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 45 है, तो बेटे यहाँ पे देखो cot 45 का वैल्यू 1 और tan 45 का वैल्यू 1, वाओ सर ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, सर बेस जीरो से बड़ा और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, सर यहाँ पे तो बेस 1 आ रहा है, तो बेटे किसी भी लॉग का बेस अगर 1 आ रहा है इसका मतलब है कि वो लॉग डिफाइंड नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं, तो बोलेंगे कि यहाँ पे रीजन पूछेगा तो बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, और जब अगर कहीं पे भी लॉग का बेस 1 आ गया तो बेटे उस कंडीशन में लॉग आपका डिफाइंड नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे
कॉट 45 सॉरी टैन 45 कॉट 45 तो यहाँ पे टैन 45 का वैल्यू 1 कॉट 45 का वैल्यू 1 बेस 1 आ गया इसीलिए ये डिफाइंड नहीं होगा। चल बेटे इसके आगे आ जाते हैं एक नंबर सवाल पे, सुनो एक नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखना यहाँ पे एक नंबर सवाल, वाव क्या बात है एक नंबर सवाल, इवैल्यूएट इवैल्यूएट बोल बेटे इवैल्यूएट लॉग बेस साइन 30 डिग्री यहाँ पे क्या है कॉस 60 डिग्री। चल बेटे लॉग बेस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देख बेटे यहाँ पे लॉग क्या है साइन 30 डिग्री यही ना साइन 30 डिग्री कॉस ऑफ 60 डिग्री। चल बेटे यहाँ पे अगर बात करें तो लॉग साइन 30 का वैल्यू 1/2 कॉस 60 का वैल्यू 1/2 बेटे लॉग ए एट द बेस ऑफ ए क्या होता है 1 के बराबर ये दोनों सेम है तो ये आ जाएगा 1 के बराबर ये करेक्ट आंसर हो गया। ओके गाइस देखिए यहाँ पे सवाल बड़ा ही आसानी से ऑटोमेटिक अपने आप हो जा रहा है खाली बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो बेटे नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं आगे की ओर बढ़ते जाएंगे अगर कहीं पे भी डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 9th की बात करेंगे तो सवाल नंबर 9th में बोला है इवैल्यूएट लॉग टैन 1 डिग्री बेस 2 उसके बाद इनटू देख बेटे लॉग बेस 2 यहाँ पे टैन ऑफ 2 डिग्री इनटू लॉग बेस 3 टैन सॉरी बेस 2 टैन 3 डिग्री अप टू सो ऑन बेटे यहाँ पे लॉग बेस 2 यहाँ पे टैन 89 डिग्री बराबर है ना। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से सब लोग सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा सोच के बताइए बहुत ही आसान सवाल है। देखिए लॉग टैन 1 डिग्री एट द बेस ऑफ 2 लॉग 2 टैन 2 डिग्री एट द बेस ऑफ 2 उसी तरह से 3 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री अप टू सो ऑन कहां तक गया बेटे 89 डिग्री तक कहां तक गया है 89 डिग्री तक। तो बेटे इस सवाल का अगर आपको जवाब पूछा जाएगा तो इसका जवाब कैसे दीजिएगा अच्छा ये बताइएगा कहीं ना कहीं बीच में सुनिए बीच में बेटे ये तो आया होगा लॉग बेस 2 टैन 45 डिग्री अरे सिंपल सी बात है सर आया होगा क्योंकि 1 डिग्री फिर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री बीच में कहीं ना कहीं तो 45 डिग्री तो आया ही होगा अरे आया होगा ना जी 100% आया होगा। तो बेटे इसको थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो लॉग बेस 2 यहाँ पे टैन 45 डिग्री 1 सर जी ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि लॉग 1 एनी बेस लॉग 1 एनी बेस इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो बेटे यहाँ पे ये बताओ कि लॉग टैन 45 डिग्री एट द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आया लॉग 1 एट द बेस ऑफ 2 और लॉग 1 का कीमत क्या होता है बेटे 0। तो इसका मतलब जरा देखिए इसका अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे जरा समझिएगा बेटे लॉग यहाँ बेस 2 क्या बोलेंगे टैन ऑफ 1 डिग्री इनटू लॉग बेस 2 टैन ऑफ 2 डिग्री डॉट 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 यहाँ पे लॉग बेस 2 टैन ऑफ क्या हो जाएगा 3 डिग्री देख बेटे टैन ऑफ क्या हो जाएगा 3 डिग्री अप टू सो ऑन लॉग बेस 2 यहाँ पे टैन ऑफ क्या हो जाएगा बेटे 89 डिग्री राइट ना। तो अब जरा इमेजिन कीजिएगा कि यहाँ पे लॉग बेस 2 यहाँ पे टैन ऑफ 1 डिग्री इनटू अरे डॉट है इसका मतलब इनटू लॉग बेस 2 ये क्या हो जाएगा टैन ऑफ कितना बेटे बोलो ना टैन ऑफ 2 डिग्री डॉट 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 बेटे इसका वैल्यू कितना सॉरी ये 45 ले लो ना अब इसका वैल्यू कितना बेटे 0 तो 0 इनटू अप टू सो ऑन ये बताओ लॉग बेस 2 टैन ऑफ कितना हो जाएगा 89 डिग्री और बेटे ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है तो 0 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 के बराबर तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 0 किसकी वजह से 0 हो रहा है लॉग बेस 2 टैन 45 डिग्री की वजह से इसका आंसर क्या हो रहा है बेटे 0 के बराबर समझ रहे बात।
तो देखिए ऐसे सवाल देखने में तो डरावना लगता है लेकिन एक्चुअली में डरावना होता नहीं है। बस आपको अच्छे तरह से समझते जाना है और जितना अच्छे से आप समझ सकते हैं उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट्स लग रहा है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलो बेटे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, 10 नंबर सवाल में क्या बोला है, इवैल्यूएट। देख बेटे लॉग बेस कितना है, 16। यहाँ पे देख बेटे लॉग बेस कितना है, 4। उसके बाद ये बता लॉग बेस 2, 16। वाओ सर, ये तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन तीन लॉग आ गया है, एक लॉग का बेस 16, दूसरे लॉग का बेस 4, तीसरे लॉग का बेस 2, बराबर है ना, उसके बाद 16। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, और बेटे इस टाइप के सवाल आपके फंक्शन चैप्टर में भी आएगा। वहां पे जब रेंज और डोमेन जब आप पढ़िएगा तो वहां पे ऐसे 4-5 लॉग एक साथ आते हैं, तब बच्चा पहले डर के मारे ही छोड़ देता है। लेकिन डरने नहीं है बेटे, जितने लॉग आएंगे सवाल उतना ही चिल्लर रहेगा और उतना ही आसान होगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ओके गाइस, चलिए दिखाता हूं आपको, देखिएगा अच्छे तरह से। तो समझिए यहाँ पे, ये आप अच्छे तरह से समझ लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कर दीजिए। देखो यहाँ पे लॉग बेस 16, देख बेटे लॉग बेस 4, यहाँ पे लॉग 16 एट द बेस ऑफ 2। चल बेटे यहाँ पे देख, लॉग बेस 16, यहाँ पे लॉग बेस 4, यहाँ पे लॉग बेस 2। ये बताओ 16 को क्या लिखेंगे, 2 raised to the power 4। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पे log m raised to the power n, बेटे ये n जो है ये कूद के कहाँ था बेटे, आगे। ये बोलता है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कूदेंगे, तो ये कूदता है और बोलता है कि n log m हो जाएगा, बराबर है। तो बेटे ये वाला 4 जो है ये कूद के कहाँ आएगा, आगे में, ये वाला log के आगे में। तो चलिए ये बताइएगा log बेस 16, देख बेटे log बेस 4, ये कूद के कहाँ आएगा, आगे। तो यहाँ पे 4 log 2 एट द बेस ऑफ 2। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, बताइए ना, log a एट द बेस ऑफ a का वैल्यू कितना, 1 के बराबर। तो बेटे ये बताओ log 16, यहाँ पे देखिए log बेस 4, यहाँ पे कितना है, 4 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1, इसका वैल्यू 1। तो यहाँ पे देख बेटे ये हो जाएगा log बेस 16, यहाँ पे log बेस 4, यहाँ पे 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। बेटे फिर से इसका वैल्यू कितना, 1। तो यहाँ पे ये बताइएगा log बेस 16, ये क्या हो जाएगा, 1। वाओ सर जी, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 का वैल्यू तो 0 होता है, आप बता चुके हैं log 1 एनी बेस, राइट ना, log 1 एनी बेस ये क्या होता है, 0 के बराबर। तो बेटे ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0, बराबर है ना। तो इस टाइप के सवाल आप अच्छे तरह से सॉल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा कूद फान कर लिया है, यहाँ पे log के पावर में n जो है, n आगे कूद के आ गया, तो n log क्या हो गया, m, बराबर है ना। तो गाइज आपको मैंने जो कल 10 सवाल दिए थे वो 10 के 10 सब ने हमने आपको क्या कर दिए, सॉल्व करके दिखा दिए। अगर आपको इसमें कहीं पे भी डाउट्स लगता है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये सवाल क्लियर नहीं हुआ। और जितना हो सके लॉग का आप अच्छे तरह से तैयारी कीजिए, 1-2 लेक्चर में मैं आपको लॉग खत्म करूंगा, फिर नया टॉपिक। और प्लीज आप लोग पूरा वीडियो को लाइक करिए, पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और प्लीज शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए गुड लक।